शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज, शुक्राना ये सत्संग की घड़ियों का, शुक्राना हर एक सांस का। हैप्पी गणेश चतुर्थी गुरुजी महाराज एंड सब संगत जी को बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग जो है वो शुरू से सुनाना चाहिए। इस बारी तो हमें नहीं मालूम कि हम कब से जुड़े हुए हैं महाराज से, लेकिन आज मैं जब शुरुआत करूंगी महाराज के सत्संग की, तो मैं कनेक्ट द डॉट करके सितंबर 7th आज है और गणेश चतुर्थी है, और उस आज का दिन ही मैं अपने हस्बैंड से मिली थी, मेरे अंकल से मिली थी 32 years ago, और वो भी हैं जो हर साल, तब से मैं गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करती हूँ उनके साथ, और अब तक मीन्स शादी से पहले भी और शादी के बाद भी हम लोग हमेशा गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, और आज मालिक ने सत्संग शेयर करने की इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जब मीन्स जब मैं कॉलेज में थी, तो तभी मेरी मामी जी ने बोला था कि 16 सोमवार व्रत रखो, अच्छा हस्बैंड मिलता है। तो मीन्स गुरु महाराज ने मुझे एक बहुत अच्छा हस्बैंड दिया, लेकिन वो आई थिंक इसलिए नहीं शुरू किया, मुझे लगता है मालिक से जो एक इंट्रोडक्शन होती है ना, वैसे तो हम बचपन से ही प्रे करते हैं, लेकिन हर जगह जाते हैं, हर मंदिर जाते हैं, लेकिन जो वो कनेक्शन मालिक ने बोला अच्छा अब शुरू करो, तो वो हर सोमवार जब व्रत रखते थे और शिव जी को पूजते थे और उनकी आरती करते थे, तो उन्होंने अपना कनेक्शन तब से शुरू कर दिया। शादी के बाद जैसे सब होता है कि सब अच्छा था, गुरु महाराज की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरा जब सेकंड बेटा पैदा हुआ, तो उसको 2.5 साल के बाद हमें पता चला वो ऑटिस्टिक है। और ऐसे जैसे हर एक पेरेंट का होता है कि जब इतनी बड़ी चीज बच्चे के साथ होती है तो सब स्ट्रेस में आ जाते हैं, तब मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बोला कि यू आर ऑलवेज स्ट्रेस, व्हाई डोंट यू कम, मैं हम लोग सत्संग पे चलते हैं। तो आई वेंट विद हर फॉर द सत्संग, बट ऑनेस्टली गुरुजी महाराज नोज कि मे बी मैं ही अंदर से इतनी काली थी कि मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। एंड 1-2 साल बाद फिर से सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, तब भी मालिक को मालूम है कि मेरे कि मैं सोचती थी ये ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे, ये जो वाई किंतु परंतु जो चलता रहा माइंड में, उसकी वजह से कनेक्शन नहीं हो पाया। और लेकिन जब फर्स्ट टाइम गई, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली कि महाराज का बहुत प्यारा स्वरूप मिला, जो मैंने कमरे में मंदिर के साथ रख दिया था। और लेकिन कनेक्शन वही है कि जब तक मालिक नहीं चाहेंगे तो वो नहीं होगा, और जब तक अंदर से मैले हैं और साफ नहीं होंगे, तब तक वो कनेक्शन महाराज हमारे साथ मीन्स हम कर ही नहीं सकते हैं, जब तक हमारा अंदर का वो भांडा ठीक नहीं होता ना, तो नहीं होता। फिर 2-3 साल से मेरे काम में बहुत ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरा बॉस जो था रोज मुझे बहुत तंग करते थे, वो ड्यूटीज एक्स्ट्रा देते थे, कभी नाइट ड्यूटी कभी मॉर्निंग ड्यूटी, तो मैं बहुत ही दुखी रहती थी काम के वजह से, रोज रोती थी। मैं उस टाइम पे साईं बाबा जी से बहुत जुड़ी हुई थी, तो मैं उनके पास जाके रोती थी कि क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्यों मेरे को ऐसे ड्यूटीज मिल रही हैं, क्यों मेरे बॉस मुझसे नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, ये हमेशा रहता था। लेकिन एक था कि अपने आप को अच्छा करो और अब अच्छा करो सबके साथ। जब भी मेरी इवनिंग में ड्यूटी होती थी, पता नहीं क्यों उस टाइम से भी मेरे मन में आता था कि समोसे लेके जाओ, और मैं बहुत सारे समोसे हॉस्पिटल ले जाती थी और सबको बांटती थी, तो हॉस्पिटल में मेरा नाम ही समोसा डॉक्टर रख दिया था, उनको अभी तक मेरा असली नाम नहीं मालूम है, वो मुझे सिर्फ समोसा डॉक्टर
के नाम से जानते हैं। तो एक रात मैं बहुत नाइट ड्यूटी थी, बहुत दुखी थी और सोचती थी कितने मेरे गंदे कर्म है कि मैं ठीक मेरी ये जो जॉब की इश्यू है ठीक ही नहीं हो पा रही है। उस टाइम पे रात को जब पेशेंट नहीं था तो ऐसे ही मैंने फेसबुक खोला और मुझे ना गुरुजी महाराज का एक पोस्ट दिखा। पता नहीं क्या मेरे मन में आए कि मैं ना जय गुरुजी लिखूं। उस एक जय गुरुजी लिखने से मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली कि मैं पूरी रात जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी लिखती गई। एक पोस्ट जाता था, एक और गुरु महाराज का पोस्ट आता था एंड रात भर मैं करती गई। जब पेशेंट नहीं था तो मैं जय गुरुजी लिख रही थी और सुबह 6 बजे एक महाराज का एक स्वरूप है, वो रॉकस्टार स्वरूप, उसके ऊपर लिखा था कल्याण कितना जा ऐश कर। बट मैं वो पढ़ नहीं रही थी, मेरे को आवाज उनकी सुनाई दी कि कल्याण कितना जा ऐश कर। और उसके बाद ही जैसे मेरे से वो बातें कर रहे हैं कि किसके पास जाना है, किस आंटी को कांटेक्ट करना है और अपनी सिस्टर लॉ को भी नहीं बोलना है, बस इसी आंटी को ही बोलना है। मीन्स ये सारी बातें मेरे मन में आई जा रही है, जैसे मालिक मेरे से बात करे। वो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम था। तो जैसे वो नाम गुरु महाराज ने दिया, मैं ना अपने फोन में ढूंढने लगी कि ये नाम आ रहा है तो मैं ढूंढती हूँ कौन है ये। तो एक नाम था तो मैंने उस आंटी को कॉन्टेक्ट किया। मैंने बोला आंटी आप सत्संग रखते हो घर में तो मैं आ सकती हूँ? तो आंटी ने बोला हाँ जी आ जाओ। और मैं सत्संग पे गई, जैसे ही मैंने एंटर किया उस टाइम पे ये भी वैल्यू नहीं मालूम थी, जैसे हम नए होते हैं ना कि हम लोगों को जो एक ओंकार है जो जो स्टार्टिंग है उससे हमको एटलीस्ट 5-10 मिनट पहले बैठना चाहिए कि हम लोग अपने मालिक की यू नो वेट करें। जैसे हम लोग कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने जाएंगे तो 10-15 मिनट पहले ही जाके बैठेंगे ना, वैसे हमारे को अपने मालिक के लिए करना चाहिए। वो उस टाइम बिगिनिंग में बिल्कुल कोई बुद्धि नहीं थी, मैं आई थिंक 5-10 मिनट लेट पहुंची थी। लेकिन उनकी में भी मालिक की टाइमिंग होती है क्योंकि मालिक के उसमें दरबार में कोइंसिडेंस नहीं है ना, ही इज प्लान्ड एवरीथिंग। तो जैसे मैंने एंटर किया वहां पे शब्द चल रहा था जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियां। एंड वो शब्द मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी आती है बिकॉज माई पेरेंट्स आर पंजाबी। तो मुझे बस इतना समझ में आया कि एक चोर ने जब शब्द बानी सुनी तो वो बिल्कुल बदल गया और उसने जो भी चुराया था वो भी गाय जाके दे दी और जिनको दी उनको भी उसने कनेक्ट किया। और फिर उसकी यही सेवा है कि सबको ग्रंथ के साथ कनेक्ट करना। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे कुछ बोल रहे हैं कि मैं भी वही चोर हूँ और अब उस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने पकड़ लिया है, अब धीरे धीरे चेंज करेंगे। और वो ही मालिक ने किया कि उन्होंने रास्ता दिखाया, जोड़ने का रास्ता दिखाया, जो सेवा सत्संग सिमरन है उसका रास्ता दिखाया। वो सत्संग जब मैं वो भी नहीं मालूम था कि लंगर पूरा खाना चाहिए, वो तो आंटी ने बोला पूरी चाय प्रसाद, मैंने चाय प्रसाद पी ली, पूरा लंगर प्रसाद, मैंने लंगर प्रसाद खा लिया, फिर दूध जलेबी भी आई वो भी खा लिया। इतनी आदत नहीं थी, जल थोड़ा रह गया था मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। आंटी आके बोलती है, जैसे आंटी नहीं आई जैसे गुरुजी महाराज आके बोलते हैं पूरा जल पियो। जैसे मैंने पिया मेरे को ना मैं बाहर भागी और वॉमिटिंग आ गई। ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर जो भी पॉइजन था जो भी था सब बाहर आ गया। और उसके नेक्स्ट डे ही मेरे बॉस मेरे साथ मिलने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही मिले तो उन्होंने बोला आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 ईयर। तो मैं सोचूं कि मेरा वेट करें 1 ईयर, मैं तो कब से इनसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ। बट आई न्यू कि वो नहीं बोल रहे थे, वो जैसे गुरुजी महाराज मुझे बोल रहे थे आई एम वेटिंग फॉर 1 ईयर। बट उसका माइंड में मुझे रहा लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या मीनिंग क्या था उसका। उसी टाइम जैसे ही वो दिन था गुरु महाराज ने उनके थ्रू मुझे ही वाज सो एक्साइटेड माय बॉस कि उन्होंने मेरे नेक्स्ट डे ही ड्यूटी चेंज कर दी। मेरे को ऐसी
इतनी अच्छी जगह में रख दिया कि जहाँ पे बहुत ही पीसफुल काम था और ड्यूटीज भी कम थी, और रियली कल्याण कितना जा एस्टर विच ही टोल्ड मी ही डिड दैट फॉर मी, एंड वो दिन था। एंड ही एवरी डे तब से और आज तक कोई ना कोई लर्निंग है, कोई ना कोई सत्संग तो रोज है, लेकिन उस सत्संग के साथ लर्निंग भी है। क्योंकि जब मुझे वो पोजीशन भी दिया, एक टाइम आई थिंक डेढ़ या दो साल हो गए थे, एंड आई नो मीन्स हम लोग जो अंदर हमारी कमियां है ना वो हमें मालूम है। तो आई रिमेम्बर कि एक पोर्टर था, तो वो कुछ तो मेडिसिन नहीं लेके आया था, एंड आई वाज लाइक अपसेट विद हिम। तो वो जैसे गुरुजी देखते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं अरे हम डॉक्टर हैं वो है, एक बारी एक थोड़ा घमंड आ जाए आपके अंदर, गुरुजी आपको वही पे ही आपको मार देंगे। उसी टाइम ही मेरी ड्यूटी फिर से चेंज हो गई और मुझे लेसन लर्न किया कि हमको हमेशा जो भी करना है नीवे होके करना है, कभी भी अपने आप को ऊपर नहीं समझना है। ये सब इस दुनिया में होगा डॉक्टर या इंजीनियर या पोर्टर या क्लीनर, लेकिन हम सब एक ही लेवल के हैं। हम लोग सब गुरु महाराज की जूती के नीचे वाले जो है ना वो डस्ट है, और सब एक ही जैसे हैं। तो वो कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने वो भूल गए हम मालिक के लायक ही नहीं है फिर। तो वो ड्यूटी इतनी खराब नहीं, मालिक हमेशा ध्यान रखते हैं, बट वही है कि जहां पे इतना अच्छा स्वर्ग जैसा था उसमें अब ठीक ठीक जैसे ड्यूटी और थोड़ी टफ हो गई। इतनी खराब नहीं मालिक लेके गए जैसे पहले था, लेकिन थोड़े और टफ टाइम्स में चली गई। उसके बाद महाराज ने धीरे धीरे सत्संग अटेंड करवाने शुरू कर दिए। यहाँ पे ये जो हमारे अंकल आंटी हैं उन्होंने बोला कि जब भी सैटरडे को सत्संग हो कभी भी आ जाना, तो इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं, आई डिडंट नो एनीबॉडी। तो मुझे जब भी ऐसा चांस मिलता था, ड्यूटी नहीं होती थी, तो मालिक की कृपा से मालिक के शरण में बैठ के सत्संग सेवा सिमरन का मौका मिल जाता था, तो उसका भी अनंतम शुक्राना। और उसी के बाद जैसे मैं आई विल टेल लाइक टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं ना वो टाइम फ्रेम में याद रखना चाहती हूँ कि क्या सत्संग होते रहे मेरे साथ। मैं एक नई जगह शिफ्ट हुई थी, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी, थोड़े ही लोगों को। उस टाइम होली आई तो सबने होली खेली, सिर्फ उन्होंने हमारे साथ नहीं खेली क्योंकि हम नए थे। तो मैं बहुत दुखी हो गई, गुरु जी कोई नहीं है होली खेलने के साथ, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ। तो ऐसे एक आंटी है, उनको मैंने फोन किया, आंटी कहीं पे सत्संग है, एंड शी सेड हाँ आ जाओ ऐसे, लेकिन मेरे को किसी ने इनवाइट नहीं किया। बोलती है इनवाइट करने की क्या बात है, चलो मेरे को बोला हुआ है, मैं तेरे को ले चलती हूँ। एंड मैं जैसे ही एंटर किया मेरे को डर लग रहा था, मेरे को इनवाइट नहीं किया, मैं जा रही हूँ ऐसे। लेकिन वो आंटी इतनी स्वीट थी, वो बोलती है जो इनविटेशन हम देते हैं वो हमारी तरफ से, लेकिन जो आता है वो गुरुजी लेके आते हैं। और इतना मजा किया होली के दिन, उन सबको कलर लगाया, महाराज के चरणों को कलर लगाया, एंड ही मेड मी सो हैप्पी ऑन द डे आई वाज द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट। तो उसका शुक्राना गुरुजी महाराज। वो ही आंटी जो लेके गई थी, उन्होंने पता नहीं क्या बोल के कि चल पूजा हम लोग ना अमृत वेला शुरू कर देते हैं। मैं तो गुरुजी महाराज नो आई एम वेरी लेजी, तो सुबह सुबह उठ के अमृत वेला, मैंने बोला आंटी मेरे से तो इतनी ऐसे होगा नहीं, नहीं नहीं हो जाएगा करेंगे बस। अब यही इतना मालूम हो गया था कि गुरुजी की जो आज्ञा वो हमको सुननी है और करनी है, तो ऐसे लोग जैसे आप बोलो हम लोग अमृत वेला शुरू कर देते हैं। तो जैसे वो उनको लंगर बनाना अच्छा लगता था, मुझे प्लेलिस्ट बनाना अच्छा लगता था, तो बोलती थी तू प्लेलिस्ट बना के ले क्या, मैं लंगर बनाऊंगी। और हमारा काफी संगत उस टाइम थी, तो हम सब मिलके कर रहे थे। उसी टाइम मिड वे में पैंडेमिक का शुरू हो गया, और जैसे ही मे बी गुरुजी को मालूम था कि पैंडेमिक आने वाला है, तो हमको ना ये अमृत वेला से उन्होंने थोड़ा सा सेव किया था। एंड तब हम लोग बिकॉज पैंडेमिक शुरू होते ही सब जगह ब्लॉक हो गए थे,
और कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ मालिक ने मुझे परमिशन दी थी क्योंकि मैं एक डॉक्टर थी और एक और संगत आंटी, बस हम तीनों ही अब मिलके सत्संग करने लगे। और एग्जैक्ट 40 डेज गुरुजी महाराज ने हमसे अमृत वेला सत्संग करवाया एंड हमें बहुत सेफ भी रखा उस टाइम पे, कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग बिल्कुल सेफ, सब कुछ हमारे साथ हो रहा था। जब पैंडेमिक शुरू होने वाला था तो मेरी जो घर में मीन्स हेल्पर है वो बाहर से है, मीन्स वो श्रीलंका से है, तो उसका कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था वीजा का, तो कुछ वो हो नहीं रहा था, तो वो बोल रही रोने लग गई थी मेरा वीजा क्यों नहीं हो रहा है। मैंने उससे बोला कोई बात नहीं, सब गुरुजी जानते हैं, वो काफी सेवा कर रही थी उस टाइम पे सत्संग के लिए। मैंने बोला मालिक सब जानते हैं, डोंट वरी, अगर नहीं हो रहा है उनको मालूम है। ले फिर उसका वीजा हो गया लेकिन टिकट नहीं हो रही थी, तो उसी दिन घर में सत्संग था एंड वो बैठ गई कि मैं तो कुछ सेवा नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, मेरा टिकट नहीं हुआ, वो रोने लगी। मैंने उससे बहुत समझाया, मैंने बोला ऐसे मत करो, गुरुजी सब जानते हैं, सेवा मीन्स ओके, जो लोग काम करते हैं वो तो ठीक है लेकिन ये तो सेवा होती है, सेवा हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, सेवा जब मालिक चाहेंगे तभी हो सकती है। उसने मना कर दिया, मैंने उसे बिठा दिया, तेरे को कुछ नहीं करना है, तू बैठ, मैं ही सब कर लूंगी, डोंट वरी। और एक और संगत आ गए हेल्प करने के लिए और हमने साथ में मिलके कर लिया। एनीवेज मालिक इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि उन्होंने उसकी बात सुनी और उसको लास्ट फ्लाइट जो यहाँ से निकली थी, सब 13 मार्च 13 को लास्ट फ्लाइट थी और उसको वो ही एक फ्लाइट मिली, वो भी थर्सडे का दिन था, और वो एक दिन वो गई कि वो 2 साल वापस नहीं आ पाई, और उसने हर महीने रो रो के मेरे कान पकड़ के, मैंने क्यों ऐसे गुरुजी के साथ किया, क्यों मैंने अपना घमंड दिखाया, और मैंने बोला अभी तू बस सिर्फ गुरुजी से माफी मांग, और फिर माफी मांग मांग के 2 साल के बाद अब आके वो इतने महाराज की सेवा करती है और कभी नहीं बोलती है मेरे लिए ये करो वो नहीं, अब वो सोचती है कि जो गुरुजी ने मेरे लिए सोचा है वो ही अच्छा है। और उसके साथ भी बहुत बड़े बड़े सत्संग महाराज ने किए कि जब वो वहां श्रीलंका गई थी और उसको एक होटल में अपने फ्रेंड से मिलने जाना था, वो सुबह सुबह बोली कि मेरे को ना आवाज ऐसे सुनाई दी कि तू कल मत जा, आज ही जा के आ। तो उसने सोचा मींस अब तो मालिक से कनेक्शन था, तो बोलती कुछ तो गुरुजी ने सोचा है, तो वो उसी दिन जाके अपने फ्रेंड से मिलके आ गई। और नेक्स्ट डे ही वो जहाँ पे वो श्रीलंका में बॉम्ब्स हुए थे उसमें से वो एक उसी के होटल में सेम टाइम पे हुआ एंड शी लॉस्ट दैट फ्रेंड आल्सो। बस उसको यही था कि एटलीस्ट मैं अपने फ्रेंड को एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे मिला लिया, लेकिन गुरुजी ने उसकी जान बचाई। मींस इतने बड़े बड़े उसके साथ भी सत्संग महाराज, रोज रोज उसके पूरी फैमिली को कनेक्ट कर दिया, सब सत्संग करते हैं, सब गुरु महाराज को मानते हैं, ये सब उनकी लीला है। जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई इंडिया में, हम इधर थे, हमको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। एक दिन वो गए मम्मी महाराज का स्वरूप लेके एक हॉस्पिटल गई, और जैसे वो डॉक्टर ने खुद बोला कि आप मीन दो प्राइवेट हॉस्पिटल, वो बोलती ये वाले हॉस्पिटल में नहीं, आप एक दूसरे हॉस्पिटल है जो स्पेशलाइज्ड है इसके लिए, आप उधर चले जाइए। और पापा का पता चला बिलीरुबिन 32 था, उनको बहुत हाई जॉन्डिस हो गया था, तो उनको 7th फ्लोर में रूम 717 में एडमिशन मीन्स दिया। और जब एडमिशन हुआ तो एक संडे मम्मी बोलती है एक आदमी आया लंबा सा गोरा सा, और वो जो है वो हैदराबाद में रहते हैं, और ये पंजाबी डॉक्टर आया और बोलता है कि एक पंजाबी में कि क्यों इधर बैठे हो, क्यों लेटे हो, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उठो तुम जाओ घर जाओ, और वो बाहर चले गए। तो मम्मी भाग के बाहर आई कि मेरे को एक दो क्वेश्चन इस डॉक्टर से पूछना है। वो नर्स से जाके पूछा वो पंजाबी लंबा सा गोरा सा डॉक्टर किधर है, तो वो नर्स बोलते हैं यहाँ पे तो कोई पंजाबी डॉक्टर नहीं है, और आज तो संडे, आज तो कोई डॉक्टर नहीं आता है। तो मम्मी को पता चल गया कि मालिक खुद आए थे, पापा को ब्लेस करके गए, और थोड़े ही दिनों में पापा का डिस्चार्ज हो गया।
लेकिन थोड़े महीने के बाद फिर से उनका रिलैप्स हुआ और वो बहुत ही क्रिटिकल हो गए। ऐसे था कि वो आईसीयू में थे और जाने ही वाले थे। उस टाइम मैंने बस गुरुजी का स्वरूप पकड़ के वो डॉक्टर को फोन किया। वो उनको मीन्स गुरुजी खुद ही जाके उनको उनको ठीक किया। लेकिन गुरुजी ने मेरे को जैसे बोला कि मीन्स कि वो जैसे एक्सटेंशन दे रहे हैं 2 साल की, और फिर और पापा एग्जैक्टली 2 साल के बाद लास्ट ईयर ही पास्ट अवे एट गुरुजी महाराज फील्ड। क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज मालिक को बोली थी, मालिक पापा ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत रिस्पेक्टफुली बिताई है और इस पैंडेमिक में इफ ही पासेज अवे हम भी नहीं जा पाएंगे, कोई नहीं जा पाएगा। और वो सारे जो थे ना, जैसे ही कोई पास आउट होता था एक बैग में डाल के भेज देते थे। आई सेड प्लीज डोंट गिव हिम दैट काइंड ऑफ अ डेथ। और वो ही हुआ, मालिक ने जब वो गए तो इतने रिस्पेक्टफुली गए, सारे स्टाफ डॉक्टर सब आ गए थे, एवरीबडी वाज देयर फॉर हिम। और इतने प्यार से उनको वहां पे लेके गए और उनका सारी जो तिथि हुई इतनी प्रेम से हुई, इतनी अच्छी तरह हुई, इतने रिस्पेक्ट से गए। और मालिक ने वो जैसे बोला था वैसे ही, मीन्स जो गुरुजी मीन्स आपके लिए करते हैं वो उसका तो हमको थैंक यू भी काफी नहीं है, बस उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना है। पैंडेमिक में सारे सत्संग शुरू हो गए थे बड़े मंदिर में, ऑनलाइन सत्संग। तो जब मैं ऑनलाइन सत्संग सुन रही थी, एक बार ही वरुण अंकल अपने सत्संग सुना रहे थे। तो वरुण अंकल के सत्संग में ये था कि वो एक ड्राइव कर रहे थे और एक लड़का आ गया था, एंड वो लड़का मींस वहीं पे ही उनको लगा कि वो चला गया, चल बसा है, और वो वहां से भाग गए गुरुजी के पास। और जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का, टीनेज लड़का ऐसे लगा और वो पता नहीं क्या हो गया है उसको। तो गुरुजी ने बस इतना पूछा, तू ठीक है? उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ गुरुजी। तो जैसे ही उन्होंने जाके फोन किया तो उन्होंने बोला, वो मींस हॉस्पिटल में जो लोग जिसने पिकअप किया उसने बोला, उन्होंने पूछा कि कोई आया था लड़का ऐसे जो मींस वो नहीं है अब, बोलते हैं कि ऐसा हुआ था कि एक लड़का आया था और ऐसे लगा था कि वो चल बसा है, लेकिन सडनली वो उठ गया और वो उठ के चला गया, मीन्स ही बिकेम अलाइव अगेन। एंड उसी टाइम मेरे को गुरु जी ना माइंड में डाल रहे हैं, इफ यू आर गॉड यू विल मेक हर कम अलाइव, मीन्स दिस इज लाइक अ रियल जो मेरे माइंड में चल रही है, जो हुई थी मे बी 1.5 ईयर्स पहले, 1.5 और 2 ईयर्स पहले। एंड मुझे उस टाइम कोरिलेट हुआ कि वो जो मेरे बॉस ने बोला था कि आई बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 ईयर, 1 साल पहले एक जो क्योंकि मेरा बेटा ऑटिस्टिक था और मेरे और 2 बच्चे और इन लॉ से, तो 2 लड़कियां घर में रहती थी। एक लड़की ने अपने आप को हैंग कर लिया एंड शी ट्राई टू कमिट सुसाइड। और उसको मींस मैंने उठा के ऐसे नीचे करके उसको सीपीआर दिया, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं दे रही थी लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और मींस वो पूरे राइगर मॉर्टिस में चली गई थी, मुझे लगा मींस कि शी इज गॉन। और हम दूसरी कंट्री में, तो मुझे लगा अब तो मींस हम लोगों का भी क्या होगा। उस टाइम मैं भाग के कमरे में गई और मंदिर के साथ जो गुरु महाराज का स्वरूप था उधर, मैंने बोला उनको कि इफ यू आर गॉड यू विल मेक हर कम अलाइव, यू एवरीबडी टेल्स मी यू आर गॉड, इफ यू आर गॉड यू विल मेक हर कम अलाइव। एंड जब मैं वापस उस कमरे में गई जहां पे वो थी, तो सडनली वो हिलने लग गई और वॉमिटिंग की, और वो शी एक्चुअली केम बैक टू लाइफ। जय गुरु जी, आई मीन। और मुझे गुरु जी याद दिला रहे हैं, तेरे लिए तो मैंने इतना बड़ा मीन्स कि तुम लोगों को भी जिंदगी दी, उसको नहीं सिर्फ तुमको भी जिंदगी दी, और मेरा शुक्राना भी नहीं किया तुमने। तो उसी दिन मैंने इतना शुक्राना किया मालिक का, इतना शुक्राना किया। और मुझे वो जो एक मिस्ट्री थी कि वो क्यों बोला आई बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 ईयर, वो भी क्लियर हो गई मेरी। तो मालिक आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी सोच है, वो आपका ठीक मीन्स आपको आंसर देते रहेंगे। कि आपके जो भी डॉट्स कनेक्ट होंगे ना, तो मालिक बोलेंगे सी यू डोंट रिमेम्बर बट दिस इज व्हाट हैपेंड।
और फिर हमको याद आता है, अरे हाँ दिस इज व्हाट हैपेंड, एंड अनंतम शुक्राना फॉर दिस, क्योंकि ये औरत वापस जिंदा हो गई, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पुलिस ने आके उसको ले गई और हमारे ऊपर कुछ नहीं किया, बस दो पेपर साइन करके हम भी फ्री हो गए। तो ये तो सिर्फ गुरुजी की मेहर है, वरना आज हम कहाँ होते, मेरे तीनों बच्चे किधर होते मुझे नहीं मालूम। रियली मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग में अपने बेटे का शेयर करना चाहती हूँ। वो उस बाहर गया पढ़ने के लिए, और महाराज ये नहीं है कि वो होता है ना, बच्चे हर बच्चे को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते सत्संग पे आओ ये करो करो, तो मैं नहीं उसको फोर्स नहीं करती हूँ, जब लेकिन जब मेरा मैं को मन करता है कि वो आए मेरे साथ तो आ जाता है बच्चा, लेकिन वो एज सच कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है कि किसी बेटे को या बेटी को कनेक्ट होना, जब तक पेरेंट्स भी कनेक्टेड ये कोई आ जाए ना, मालिक सबका ध्यान रखने लग जाते हैं। तो जब वो गया वहां, वो यूएस में गया, और उसने एक दिन फोन किया और बोला, मम्मा मैं ना चार फ्रेंड्स हम लोग जा रहे थे, और हम लोग नीचे कोई सबवे उनके गए, और एक आदमी उनको फॉलो करके उनके ऊपर मींस बैड वर्ड्स ऐसे यू नो रेशियल कमेंट्स मार रहा था, और वो कुछ करने ही वाला था। बोलते हैं कि मुझे लगा हम चारों को कुछ ना कुछ वो कर देगा, लेकिन हम गए, बोलते पता नहीं कहाँ से सडनली एक पुलिसमैन आ गया और उसको लेके चला गया, और हम लोग अंदर सबवे में जाके वी वर सेफ। तो आई न्यू ये तो सिर्फ मालिक ही कर सकते हैं, मालिक केम इन द फॉर्म ऑफ अ पुलिसमैन एंड सेव्ड देम, एंड दिस वाज नॉट द ओनली वन टाइम। उसके दो साल बाद भी सेम एक इंसिडेंट हुआ कि तीन चार फ्रेंड्स जा रहे थे और दो लड़के आए और वो गन्स के साथ आए, और उनका सब मींस बोला कि ये वॉलेट दो ये दो, और बोलते हैं आई डोंट नो कहां से एक पुलिस कार आई, फ्रॉम वेयर दे डोंट नो दैट आल्सो, एंड ये लोग थैंक गॉड कुछ नहीं किया उन्होंने, वो भाग गए, और दो फ्रेंड्स के तो वॉलेट ले गए थे तो वो ले गए, लेकिन उसके वॉलेट भी नहीं लेके गए। तो मैंने इतना शुक्राना किया महाराज का कि महाराज आप हमारा ही नहीं हमारे बच्चों का भी ध्यान रख रहे हो। तो संगत जी कभी भी मत सोचना कि हम लोगों का मीन हमारे बच्चे कैसे हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं। आप रोज मालिक को याद करते हो ना, प्यार करते हो, वो आपके बच्चों को भी प्यार करते हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे हमारे पेरेंट्स हों, मालिक हमारा सबका ध्यान रख रहे हैं। तो कभी भी इस स्ट्रेस मत देना कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के आ गई हूँ कॉलेज में, बेटे को छोड़ के, वो सब मालिक ध्यान रख रहे हैं, बस आप उनका सेवा सत्संग सिमरन में रहो एंड मालिक आपका सब करते रहेंगे। और इसके बाद जब मे बी अराउंड वन ईयर बैक मेरे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ हमारे साथ ही रहते हैं, हम लोग डिनर से वापस आए और डैडी बोल रहे थे कि मुझे कुछ हो रहा है, लाइक ही कुडंट स्टैंड एंड कम इनसाइड आल्सो। तो हमने जो जहाँ पे महाराज का स्वरूप है उसके नीचे एक सोफा पे उनको हमने लिटा दिया, और सडनली मैंने देखा उनकी आईज रोल कर रही है, एंड He literally he went means कि उनकी ना पल्स सुनाई दे रही थी ना हार्ट रेट ना कुछ, एंड ही वाज आउट लाइक। तो आई इमीडिएट लाइक गुरुजी महाराज की कृपा से हम डॉक्टर्स हैं, मैंने CPR शुरू कर दिया, अपने हस्बैंड को बुलाया, वो भी वहीं थे, उन्होंने फिर शुरू कर दिया CPR ऐसा ड्यू टेक ओवर, क्योंकि मींस वन बाय वन वी शुड डू वरना एक टायर्ड हो जाता है। और उन्होंने बोला आप 911 मींस जो हमारा इमरजेंसी वाला उसको फोन करो, तो मैंने इमरजेंसी को फोन किया, वो आए और विद इन 3 मिनट्स ही केम बैक टू लाइफ, लाइक यू नो जैसे उनकी वापस सांस आ गई। और जैसे ही वो आ रही थी ना, तो मैंने उनका हाथ पकड़ के मैं जोर जोर से मंत्र जाप कर रही थी। वो दिन है कि मेरे फादर इन लॉ गुरु महाराज को इतना मानने लगे, क्योंकि बोलते हैं मैं गया मुझे कुछ होश नहीं है, मैं तो चला गया, और जब मेरी आंख खुली मुझे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय सुनाई दे रहा था। पहले जब सत्संग होता था तो ही नमस्कार करते थे, अब जब सत्संग होता है वो आके साक्षात नमक दंडोत प्रणाम करके गुरुजी को चरण को छूते हैं, मींस ऐसे मालिक महाराज जोड़ते हैं। और
मीन्स उन्होंने एक बार नहीं, दो बार ही उनकी ऐसे लिफ सेव किए, और वो तो हमेशा गुरु महाराज का गुण गाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और सत्संग पे एटलीस्ट घर पे, क्योंकि वो अब ना ज्यादा चल पाते हैं या देख पाते हैं क्योंकि वो क्वाइट एल्डरली हैं, तो लेकिन गुरुजी उनको इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इतना प्रोटेक्ट करते हैं उनको, और मेरी सासू माँ जो भी इतना पहले बिलीव नहीं करती थी, अब तो वो रोज महाराज के चरणों में बैठ के मंत्र जाप करती हैं और रोती हैं कि मीन्स गुरुजी आप ही हो। एंड सेम वे अब जब पापा नहीं रहे तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि मेरी मॉम अलोन है, क्योंकि मेरी मॉम बस गुरुजी के साथ है, गुरुजी उनका ध्यान रखते हैं, वो भी एवरी डे उनके लिए चाय प्रसाद ब्रेकफास्ट उनका दे के फिर ही वो खुद ग्रहण करती हैं। तो गुरुजी ने पूरे फैमिली को ऐसे मीन्स जोड़ दिया इतने अपने प्यार में कि मैं इतनी इंडेटेड हूँ अपने मालिक को। अगर ये मुझे, मैं क्यों बोल रही हूँ, फाइनल तो सत्संग कोई नहीं, मेरे इतने सत्संग है कि पैंडेमिक ने कैसे गुरुजी महाराज ने जूम शुरू किया, और जूम में रोज रात को अभी फ्रॉम 2020 जुलाई टिल टुडे गुरु महाराज रोज रात को सत्संग करवाते हैं, रोज वो अपने प्लेलिस्ट बनवाते हैं, रोज संगत को जोड़ते हैं, रोज सत्संग उनसे इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं, ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है, वो ही करवाते हैं। और इतना अब सेवा जो है ऑनलाइन मैं नहीं कर पाती हूँ, जिसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि काम भी होता है और फैमिली भी होती है, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ, जितना आप करवाते हो मुझसे, मैं करने की कोशिश करती हूँ, बाकी प्लीज आप ऐसे ही करवाते रहो, कभी भी बंद मत करना, ये सेवा सत्संग सिमरन से ही साथ है अभी हमारी, वरना तो हम नहीं है अब। एंड एक सत्संग जो है कि इस साल फरवरी में जो आंटी को गुरुजी ने ब्लेस किया था कि जहाज भर के संगत लेके आना, तो आंटी यहाँ के संगत को जहाज भर के लेके आई थी बड़े मंदिर, और हम लोगों को इतने प्रेम से बैठ के मंदिर के दर्शन हुए जो हमको नहीं मिलते हैं। हम सब बाहर यही मिस करते हैं कि हम लोग गुरुजी को बड़े मंदिर नहीं आ पाते हैं, उनके साथ नहीं बैठ सकते, जहाँ महाराज हमारे दिल में, कहीं भी आप सत्संग में बैठ जाओ, कहीं भी चले जाओ, यू विल गेट महाराज ब्लेसिंग, बट वो एक छोटी सी चीज हमेशा फील होती है, तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जिसका अनंतम शुक्राना मालिक। एंड उस दिन किसी संगत ने फोन किया और बोला, आंटी आप उधर आ रहे हो तो बस 5 मिनट्स रुकना, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। और मालिक के मंदिर में ही इतना प्यारा स्वरूप गुरुजी महाराज ने अपना दिया वो आंटी से, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स जो खुद उन्होंने पेंट किया था वो दिया। एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ये रिलेटेड है विद यू नो हाउ गुरुजी डज समथिंग विच इज स्पॉन्टेनियस, विच यू नॉट बिलीव कि ये कैसे हो गया। तो मैं अपने एक जो बेटा ऑटिस्टिक बेटा है उसको हम लोग गोवा ले गए थे और उसके साथ वहां रह रहे थे। उसके जाने का जब टाइम हुआ वापस, तो हमें फ्लाइट लेनी थी, एंड आई वाज रियली नर्वस, क्योंकि ऑटिज्म में ना क्या होता है, वो बड़ा दिखता है लेकिन उसका माइंड जो है ना 1 साल का है, वो जोर जोर से आवाजें करता है, रोता है, तो हमें डर लगता है कि फ्लाइट में कोई हमें निकाल ना दे या बैन ना कर दे, बहुत डर के साथ हम लोग उनको लेके जाते हैं उस बच्चे को। तो जब हम निकलने वाले थे तो मैं बहुत स्ट्रेस के साथ बैठी थी कि गुरुजी कैसे जाएंगे, क्या होगा। उसी टाइम एक मेलमैन जैसे कोई वो कुरियर आता है, वो बोलते या मेरे नाम के साथ, तो ऐसे मैंने तो कोई कुरियर नहीं किया था, और जैसे ही मैंने खोला, सारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, मींस कि गुरुजी मींस निकलने से पहले हाउ आई कुड हैव लेफ्ट आल्सो, बट नो जस्ट बिफोर लीविंग ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट एंड स्वरूप एंड इतने ब्लेसिंग्स उसमें थी कि मेरे को तो बस यही कि गुरुजी आप आ गए टू टेल मी कि यू नो कि मैं हूँ तेरे नाल, तू क्यों फिकर कर रही है। और मैं अपनी सिस्टर इन लॉ है जिसके
उसकी फैमिली लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, वो बहुत डिप्रेस थी, तो वो बस यही बता रही थी कि मैं शिवजी से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने बोला था गुरुजी एंड शिवजी एक ही हैं। तो जैसे ही वो ब्लेसिंग्स आए, मैंने एक ब्रेसलेट निकाला, उसके हाथ में डाल दिया, ऐसे तू मालिक की ब्लेसिंग्स मीन्स अपने हाथ में रख ले, एवरीथिंग विल बी ओके। एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी, जो ब्रेसलेट उसको मिला उसकी एक साइड पे गुरुजी और दूसरे साइड पे शिवजी। तो मीन्स गुरुजी ने उसको भी दिखाया कि मैं एक ही हूँ। और वहां पे हमारे जो एक ड्राइवर अंकल थे उनके साथ एक सत्संग हुआ उस टाइम पे, कि हम लोग वो हमें ड्राइव करके कहीं पे लेके जा रहे थे, और जो मेरे हस्बैंड के कोई रिलेटिव हैं, वो हम तो उनको बहुत प्यार करते हैं, मुझे लगता है वो भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनके मन में कुछ होगा मेरे लिए, कि उनका ना फोन लग गया। मैं तो उनका फोन आंसर किया, ये सब कार में हो रहा है, और मैंने स्पीकर में लगा के उनका नाम लिया कि हेलो हेलो आपने फोन किया हेलो। वो ना मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी सारी बात सुन पा रही हूँ, और वो स्पीकर पे है, तो मेरे हस्बैंड भी सुन पा रहे हैं, ये ड्राइवर अंकल भी सुन पा रहे हैं, मैं भी, और वो बैठ के मेरी निंदा किसी और को कर रहे थे, और वो कंटिन्यूअसली करे जा रहे थे, और तीनों सुन रहे थे, और लेकिन मेरी आवाज नहीं सुन सकते थे। तो वो भी ड्राइवर अंकल भी हैरान हो गए कि ये कैसे आपने मीन्स दिस इज गोइंग ऑन इन अनदर हाउस, और कैसे उनका फोन लग गया और वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं जो जो वो बोल रहे हैं हम तीनों सुन पा रहे हैं। और वो कोंकणी में बोल रहे थे, तो वो ड्राइवर अंकल आराम से मीन्स समझ पा रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं मेरे लिए। तो जब मैं वो ब्लेसिंग्स आई, तो ड्राइवर अंकल आए, अंकल बोलते हैं दीदी मैं तो अब आपके गुरु जी को बहुत मानता हूँ इसके बाद, तो प्लीज मेरे को भी एक ब्रेसलेट दे दो, और मेरे वाइफ के लिए भी दे दो, बच्चे के लिए, क्योंकि वो मीन्स इतने बड़े भगवान है कि कुछ भी हो सकता है उनके मीन्स दरबार में। आई सेड हाँ बिल्कुल। तो मीन्स कैसे गुरुजी अपनी संगत को जोड़ते हैं, अब उनके सामने जो सत्संग हो जाते हैं ये इतना बड़ा उनके लिए तो मिरेकल हो जाता है कि गुरुजी उनको जोड़ लेते हैं। यही बोलूंगी कि गुरुजी बस प्लीज अपनी सेवा सत्संग सिमरन में रखो, कभी बैन मत करो, वी लव यू गुरुजी, एंड हमें माफ करो क्योंकि बहुत बहुत अवगुण है, बहुत गलतियां करते रहते हैं। बस रोज यही होता है कि एक बारी कुछ तो, मैं जब भी ड्यूटी पे होती हूँ ना, तो सत्संग लगा देती हूँ कि मीन्स वही पॉजिटिविटी रहे। और जो बैम्बी आंटी के सत्संग में बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, जैसे आंटी ने बोला कि इन डेज ऑफ द वीक कौन से कलर पहनने चाहिए, जो गुरुजी को बोलते थे पॉजिटिविटी लाते हैं उस दिन के लिए। तो मीन्स जैसे सैटरडे को ब्लैक, और वो लोग सैटरडे को करते थे सत्संग, एंड ही शी यूज्ड टू वेयर ब्लैक ओनली, एंड हर होल फैमिली यूज्ड टू वेयर ब्लैक, एंड देन सिंस देन मेरे माइंड में भी गुरुजी ने यही डाला कि रोज ब्लैक ही पहनो सैटरडे को, मीन्स नॉट रोज ऑन सैटरडे ओनली। एंड एक था कि ब्लैक कलर कभी सिर पे नहीं रखना चाहिए, कि शनि को सिर पे नहीं रखना चाहिए, और उन्होंने बोला था संडे को रेड, मंडे को व्हाइट, ट्यूजडे को ब्लू, उनको ब्लू ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन वो ट्यूजडे को बोलते थे ब्लू इज पॉजिटिविटी फॉर अस, एंड वेडनेसडे को ग्रे, थर्सडे को येलो ऑरेंज, एंड फ्राइडे को क्रीम। तो आंटी ने बोला था, जब ये बोला तो उसी टाइम अनीता आंटी आई, वो बोलती है गुरु जी मैं तो पिंक और ग्रीन पहनती हूँ, तो मेरे कौन से मीन्स मेकअप पहन सकती हूँ। तो उन्होंने बोला था ठीक है फ्राइडे को पिंक पहन लेना और वेडनेसडे को ग्रीन, ग्रीन ग्रे लाइक। तो मीन्स ये सारे जो मेरे को याद आया था कि सत्संग शेयर करने के लिए, पता नहीं क्यों किसको सुनना है ये सब मालिक को ही मालूम है। सॉरी संगत जी अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो, या मेरे से ठीक से सत्संग नहीं हुआ हो, तो उसके लिए क्षमा, एंड आई लव यू गुरु जी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइव्स एंड प्रोटेक्टिंग ऑल ऑफ अस। ऐसे ही सेवा सत्संग सिमरन में रखो गुरु जी महाराज, लव यू गुरु जी महाराज, लव यू ऑल संगत जी, बिकॉज हर एक संगत में गुरु जी महाराज बसते हैं, एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी मिस्टेक्स आई माइट हैव मेड। लव यू गुरु जी, लव यू ऑल, थैंक यू आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी आंटी, सिर्फ शुक्राना गुरु जी महाराज का है जो वो टाइम पे भेजते हैं। देखो गुरु जी महाराज ने कितने अच्छे टाइम पे, जिस दिन आपने बोला गणेश चतुर्थी पे आप अंकल को मिले थे, उसी दिन गुरु जी महाराज ने आपसे शेयरिंग करवाई। लास्ट वीक भी सोच रहे थे पर गुरु जी महाराज ने आज का दिन चुना, तो गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है जो इस तरह संगत को भेज के इतने प्यारे प्यारे सत्संग हमें सुनवाते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मिलते हैं। अब गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। संगत जी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना जुड़ने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी जी आपका बहुत प्यारा सत्संग गुरु जी महाराज जी ने आपसे सुनवाया हम लोगों को। गुरु जी का लख लख शुकराना, आंटी जी आपका भी शुकराना कि आप हम लोगों के बीच में आई और गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाई। गुरु जी ऐसे ही आपको हमेशा ब्लेस करते रहें और आप हम लोगों के बीच में आती रहें और ऐसे ही प्यारा प्यारा गुरु जी का सत्संग सुनाती रहें। जय गुरु जी। संगत जी, गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है, 7 सितंबर को पूरे भारत में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया गया। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं और इस दिन गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए। संगत जी, गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी इस साल 7 सितंबर शनिवार को मनाया जा रहा है। संगत जी, हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व और गणेश भगवान से जुड़ी कुछ खास बातें। संगत जी, गणेश जी के जन्म को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। संगत जी, गणेश चतुर्थी इस साल 7 सितंबर को मनाया गया। पौराणिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर लाकर उनकी 10 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजा करते हुए अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। संगत जी, आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व और गणेश चतुर्थी की कहानी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव देश भर में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि पौराणिक कहानियों के अनुसार महर्षि वेदव्यास के कहने पर भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य शुरू किया था। तब महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाते रहे और गणेश जी अपनी कलम से महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। माना जाता है कि महाभारत लेखन में 10 दिनों का समय लग गया था। 10 दिनों तक गणेश जी एक ही मुद्रा में बैठे रहे थे, जिससे उनका शरीर जड़वत होने के साथ शरीर पर धूल मिट्टी की चादर चढ़ गई थी। इस कारण गणेश जी 10 दिनों बाद नदी पर स्नान करने गए थे। उस दिन को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। संगत जी, गणेश चतुर्थी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, साथ ही किसी भी मांगलिक कार्य में गणेश जी को प्रथम देवता या प्रथम निमंत्रण देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी का दिन गणेश की स्तुति में विशेष माना जाता है। पौराणिक मानता है कि जिन के काम अधूरे रह जाते हैं या काम धंधे में तरक्की नहीं मिल पाती, उन्हें गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को घर पर
जरूर लाना चाहिए। 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो आप समझ गए होंगे गणेश चतुर्थी का महत्व और गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं और गणेश चतुर्थी मनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। जय गुरु जी। आइए संगत जी आगे एक और प्यारा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। दरबार सजे असी दरबार सजे ना मंत्र जाप शुरू मतलब आरती शुरू होने लगी ओ संगत उठी नहीं। उन्होंने सोचा कि आंटी सो गई है वे मेरा नींद आ गई है ते वे उठे नहीं है। आरती खत्म हुई तो उन्हें जब देखा तो वो एकदम उन्होंने लग्या कि आंटी डिगी डिगी जी लगती है। जो देखा तो ओदे विच एक डॉक्टर भी बैठे से उस संगत दे विच ही मतलब दरबार जी। तो वो कहिंदे जी ये तो ठंडे हो गए है। फटाफट एम्बूलेंस देखो बुलाई। एम्बूलेंस भी बुला ली ते गुरु महाराज ने उन्हें एकदम चीख मारी थोड़ी देर बाद सब ने पैर से थले शुरू कर दिए उन्होंने मतलब कि गुरु महाराज देखो कृपा मतलब लाइफ देंदे है गुरु महाराज। उन्होंने संगतां दे सामने दिता मतलब कि दरबार सजी दे विच तां सारी संगतां ने पैर च से आवाजा मारिया। उन्होंने कोई पता नहीं मतलब तेने उन्होंने जोर दी चीख मारी कहिंदे परे हट जो गुरु जी आ गया। उही संगत ने गुरु जी आ गए परे हटो सारी संगत पिछे हट गई मतलब ते ओ उठ के बैठ गए। कहने की गल है तुसी क्यों मेरे को आए हो की गल हुई है मैनू। वह कहने नहीं कुछ नहीं तुहानू कुछ नहीं होया। उन्होंने सोफे से बिठा लिया। उन्होंने कोई याद नहीं मतलब संगत नू कुछ नहीं पता भी मैं वह कहने मैनू 1% भी नहीं पता भी मैं की होया मेरी मैमरी च कुछ नहीं है। पर संगतां ने अखी देखिया उन्होंने सत्संग वह सारिया संगतां कहंदियां कहंदे असीं अखी मतलब देखिया ते उन्होंने गुरु जी आप लाई मतलब देख गए। फिर डॉक्टर आए उन्होंने मतलब चेक किया तो कुछ भी मतलब सारे ओदे मतलब रिपोर्ट स्पेशल वड्डे फंक्शन ते आउंदे आ ते ओदे हसबेंड मतलब अपना उन्होंने होटल सी पहला ते ओह लंगर सारा जिन्ना भी मंदिर दा बंद है वह आप दोने जी आके तैयार करवाउंदे आ मतलब इन्ने प्यार नाल सेवा करदे आ कि गुरु महाराज प्रतक होके दिखा रहे संगतां नूं। हुण तां नवी संगत पुरानी तो कोई है ही नहीं ना वो तो संगत संगत है बस साढ़े को सिर्फ उन्होंने एक्सपीरियंस है भी असी अखी देखे उन्होंने उन्होंने मूवमेंट वो साड़ी मैमरी मतलब थोड़ी डिफरेंट है थोड़े नो क्योंकि असी उन्होंने मतलब कि बहुत प्यार उन्होंने को लिया है। उन्होंने अपने बहुत लाड़ जे सू लड़ाई भी उन्होंने अपना मतलब है ना वो चीज साड़ी थोड़ा एक्सपीरियंस वक्र है। बाकी तो संगत संगत ही है। हुण अज दी संगत दे सत्संग सुणी दे ते इन्ना प्यार आउंदा है भी गुरु महाराज इन्ना प्यार दे रहे हैं मतलब कि हाथ टेके रखदे है बच्चों ते भी सब ते भी सब दे देखो किन्ने सोहणे सोहणे सत्संग हुंदे है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक होर गल पुछांगी तुसी जब तो इस तरह दी गल्लां आउंदे से इस तरह दे ब्लेसिंग्स मिलदियां से जो भी आई थिंक आई विल से ओल्ड टाइम इज मिरेकल कहंदे से तुहानू की लग्या से आम पुरशा नालों वक्रे है पर गुरु महाराज का यह सीगा कि वह ना कई बार एह जी गल मतलब हादसे की कर देंदे सीगे जां नॉर्मल तरीके नाल गल करदे सी कि बंदा जिस तरह हूं आप परमात्मा अखा बंद करके परमात्मा कहने ना उदो सू लगता कि ना कोई बहुत शक्ति है मतलब कि उन्हों का ही साढ़े से पर्दा पाया हुआ सी। वैसे कई संगतां नू तां उन्होंने जिवे साक्षात दर्शन करवाए है जिवे रिंपल गरेवाल है उन्होंने मम्मा नू उन्होंने गुरु नानक देव जी दे मतलब साक्षात दर्शन करवाए है क्योंकि रिंपल गरेवाल नाल ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਪਲ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਆਪੇ ਆਊਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਟ ਮਤਲਬ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਰਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਨੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਡਰੂਮ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਸ਼ ਨੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਡਰੂਮ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇਖੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗਰ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨੀ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਚ ਰਾਤੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋੜਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਘਬੀਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਂਟੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਚਿਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਕੇ ਚਮਚਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਤੀ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਸੀ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਓ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ 9 ਵਜੇ 8-9 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਅਬੋਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਨੀ ਕਰਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਰਸ਼ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਮਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਰਤੀ ਕਪੂਰ ਜਰਜੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ, ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਰਿੰਪਲ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ DSP ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿੰਪਲ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਜਨਮ ਚ ਉਹ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 100% ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਰ ਗਲਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 10%, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 100% ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਬਲਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਡਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ ਗੈਸਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ ਥਾਲ ਉਬਲਦਾ ਥਾਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਥਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨੀ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਜਮਾਨੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਥਾਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਥਾਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਬਲਦੇ ਤੇਲ ਚ ਡਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਪਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਕੱਢੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਬਰਫ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੱਗ ਪੂਰਾ ਭਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਉਬਲ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਜੀਪ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੱਥ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 100% ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਬਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਲਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਟਰਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਅਟ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ 4 ਜਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੀਅਟ ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਗੱਡੀ, ਥੱਲੇ ਫਸ ਹੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਚਦੇ ਨੀ। ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਟਰਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨੀ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨੀ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਲਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਗਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਆ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਤੇ ਵਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਨਾ 24 ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜਿਆ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਗਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਟੂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨੀ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਨਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਉਨੀ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਏ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਵਿਜਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੈਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਲੇ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਦੂਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਤਾਸਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਰੋਲ ਜੇ ਮਤਲਬ ਟਿਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੋਹਰ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੈਡਰੂਮ ਬੈਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜੀ, ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾਸਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਤਾਸਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚੀ ਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾਸਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਆਏ, ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਪਤਾਸਾ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਪਤਾਸਾ ਮੇਰਾ ਉਵੇਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੀ ਮੇਰਾ ਉਵੇਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ, 200 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਤਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, 100 ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਹੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਜਾ ਐਸ ਕਰ, ਜਾ ਐਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਯਹ ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਯਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਤੀ ਥੀ ਸੰਗਤ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕੋ ਅਨੇਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਤੀ ਥੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਥੇ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਥੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਜਾ ਆਇਸ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਟਦੇ ਥੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾਤੇ ਥੇ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਕੋ ਤੋ ਅਨੇਕੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਤੀ ਥੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਥੇ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਜਾ ਐਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾਤੇ ਥੇ ਔਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਾਟ ਦੇਤੇ ਥੇ। ਐਸੇ ਹੈ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ,